नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह टैगर और आप लोगों का प्यारा बतासा चाचा। और मैं हूँ निधि झा उर्फ लुलिया। सो आप सबका वेलकम है डिशम इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2018 इन मलेशिया। स्पॉन्सर्ड बाय सैम स्टील एंड पावर्ड बाय चिक शैम्पू। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज दिस टाइम इट इज हैपनिंग इन मलेशिया। जितने स्टार यहाँ हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ पर दर पर खोलेंगे और आपका मनोरंजन। यस, तो चलिए चले हम लोग। भोजपुरी का दूसरा नाम मनोज तिवारी है। नहीं, आपका बड़प्पन है। याशी फिल्म और ढिशुम भोजपुरी के बहुत ऊपर ले गई और आज यही कारण बाटे कि जे भी बड़ा बड़ा लोग बाटे हमनी के सिनेमा में, गाना में, संस्कृति में, संगीत में, वो सब शामिल हो रहा बा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी भाषियों के लिए और हमनी के समाज खातिर एगो बहुत बड़ बात बाटे कि शुरुआत भइल मॉरिशस से, उसके बाद हमनी गईनी दुबई, देन लंडन, नाउ मलेशिया। मैं पहली बार आया हूँ भोजपुरी फिल्म फेस्ट, माफ़ कीजिए, भोजपुरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए और इतने सारे लोग को देखो, ये बड़ी खुशी की बात है कि भोजपुरी की इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है आजकल। आप लोगों को मलेशिया आकर कैसा लगा? मलेशिया तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि अपनी लाइफ की शूटिंग ही मलेशिया से शुरू की है। ये जो ट्विन टावर देख रहे हैं, इसके नीचे ही खड़ा होकर मैं नाच रहा था। अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे। हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना पसंद करेंगे। एक छोटा सा गेम है। अच्छा, इसे आप अपने कान में लगाएंगी। हाँ। उसमें कुछ गाना बजता रहेगा। हाँ। और कृष्णा को मैं कुछ एक पर्ची दूंगा। हाँ। लिखा है। वो आपको बोल कर सुनाएंगे और आपको बताना है वो क्या बोल रहे हैं। गाना बज रहा है। हाँ हाँ, इसका मतलब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, मैं सिर्फ लिप सिंक करूँगा, आवाज़ नहीं निकालूंगा। परफेक्ट, ये भोजपुरी फिल्म करेंगी। अगली पिक्चर दिनेश लाल यादव के साथ मच्छर मारीला रथिया को। मारीला कृष्णा को। अरे वाह, क्या बात है, ऐसे ही नहीं जोड़ी बनती है। मनोज भैया, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, बहुत बोरिंग हो रहा है हमारे ऑडियंस को। भैया मत कहिए, सब कहिए। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से भैया निकल गया। नहीं यार, मनोज जी कि भले कहला इनके लो फर, भले कहला तू आवारा तकलीफ ना मुझे, बाकी भैया कहबू इनका के तो ठीक ना हो। भोजपुरी पैदा भइल सेकंड इनिंग में, रवि भैया और मनोज भैया ओकर श्रेय ले मिलल, चाहे उन्हें मिलता हो, लेकिन दौड़ावे में बहुत बड़ा योगदान आपका हो। खेलना दौड़ा पैती ना, तू ना रहता हमारे साथ। आज जश्न का दिन है और भोजपुरी खातिर बहुत बड़ बात है कि पहले मॉरिशस हुआ, मैं नहीं था तभी वहाँ, और दुबई हुआ तो वहाँ मैं नहीं था, लंदन हुआ मैं नहीं था, लेकिन हाँ मलेशिया में मैं हूँ और हमारा परफॉर्मेंस भी है दोनों का। स्टेज में फाड़ दीजिए आज। स्टेज फाड़त हम क्या अपन पैंट का ख्याल रखें। आप दोनों में से कभी भी किसी ने भी किसी दूसरे का टूथब्रश यूज करके यूज किया है? हाँ, ये हुई ना जवाब, ये है प्रॉपर आंसर। हाँ, देखिए अब सच्चाई बोली दे तो थोड़ा बता भी दीजिए कि किसका यूज किया। किसका तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक बार प्रोग्राम से लौट रहा था तो 4 बजे सुबह हो गया तो मुझे पता चला भूख लगा खाना, तो किसी म्यूजिशियन के बैग में से निकाला, ब्रश कर लिया। मैंने अपनी बहन का किया। ये है सच्चाई। आपकी लुलिया देखिए बहुत इम्प्रेस हो गई है आप दोनों से। मैं पहले हिंदी इंडस्ट्री में काम करती थी और मेरी दादी माँ ने मुझे सुना सुना के कि अपने जिला जवार में तुमको कोई जानता ही नहीं है,
ज़बरदस्ती करके उन्होंने मुझसे भोजपुरी फिल्म करवाई और आज मुझे लगता है कि वो मेरे दादी माँ के लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज इतना प्यार मुझे कभी कहीं नहीं मिल सकता जितना यहाँ मिलता है। और इसके अलावा हम दोनों लोग दादी जी को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको। राकेश जी, आपकी ही फिल्म का नाम है प्यार की पुकार, तो उसे हॉलीवुड में किस नाम से दिया जाएगा और क्या इंग्लिश में कहा जाएगा? हॉलीवुड स्टाइल में अगर बोले को या भोजपुरी लड़का बोले तो प्यार के पुकार। इसकी तुलना आप किससे करना चाहेंगे, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी हीरो हीरोइन से या किससे? ये मैं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जे हड़बड़ाइल ओ गड़बड़ाइल, लेकिन एशिया मलेशिया में जब भोजपुरी आइल बाटे तब पूरा सिनेमा बाटे खड़खड़ाइल और बहुत जल्दी भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में समझ लो आइल। चल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान हमर राजा जी अब बाटे मोछी पसंद रंग बाज राजा के। मेरा भोजपुरी ऐसे ही बम 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 करते रहे और हम लोग विकास करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में एक अवार्ड शो में आ रहे हैं। भावना बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जैसे हमेशा लगती है। देखिए बोलने की जरूरत है, वो ऑलरेडी खूबसूरत है, नो डाउट खूबसूरत है। नहीं लेकिन आज और भी ज्यादा लग रही है। मुझे ना आप लोगों की मोहब्बत फिर से आ रही है। अच्छा आपको नहीं, बहुत लोगों को होती है, लेकिन क्या करें, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। तुम्हें से तो माइक हेडफोन निकली और हेडफोन लगी उनके कान में और फिर यहाँ से एक पर्ची मिली आपके। पर्ची में कुछ लिखल रही और पर्ची में कहा लिखल बोल के इनके सुना हुए, लेकिन वो सुन ना पाई है कहने से हेडफोन बजत रही। गाना बज रहा है। ओके ओके बताइए, आपका टाइम शुरू होता है सर। आप हल्फा मचा के गई। हल्फा मचा के गई, क्या बात है, क्या बड़ी तेज बड़ी हो। लॉलीपॉप लागे लू। लॉलीपॉप लागे लू। वाह वाह, सुन तो नहीं लिया। बधाई हो, बधाई हो। आपने भी एक भोजपुरी फिल्म में भी गाना किया। हाँ जी। हल्फा मचा के गई। हाँ जी। कैसा अनुभव रहा भोजपुरियों के साथ? ये गाना हिंदी में था तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, मगर आई वर्क विद रियली नाइस पीपल। घूंघट में घोटाला के अंग्रेजी में रिलीज करे तो अगर काम ना रही। घोटाला इन घूंघट। गाफी की फिल्म का नाम बताइए, हल्फा मचा गई। अगर उसे इंग्लिश में टाइटल देना हो हॉलीवुड में तो क्या देंगे? क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा मैं इनको क्यों दूंगी कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएटेड एक्साइटमेंट करप्शन टू द वेल या इसे देखकर पहले इनको दिखाइए। पहले तो आप इसे देखकर ये बताइए कि किस हीरोइन को आंख मारना पसंद करेंगे, वो देखना चाहेंगे। आप हैं, बाकी सब हैं, लेकिन आज के डेट में अगर हम केहू के आंख मारो तो क्या हो सकेला? हमारे भागे नहीं। मैं अपने पत्नी को ऐसे आंख मार सकता हूँ। तैयारी तो हमने ऐसी की है कि पहले दिन जब रिहर्सल कर रही थी मैं, तभी मुझे मोच आ गई थी पैर में, तो एक दिन बस एक दिन रिहर्सल किया है, पर फिर भी जोश इतना है कि हम स्टेज मंच फाड़ देंगे धमाल कर देंगे और हल्ला मचा देंगे। मार्केट में इंतजार है एक चीज का, उतनी खूबसूरत जोड़ी। मैं बहुत मारूंगी अगर तो। नहीं कुछ जोड़ा नहीं, बस खाली इतना जानना चाहता हूँ कि नया मेहमान कब आने वाला है? कब हो रहा है? कुछ इधर जूता वूता छुपा। अरे वाह, अरे अभी जीवन तो जीने दो, हम लोगों को तो जीने दो, हम लोग अभी दोनों बहुत खुश हैं साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को एक नए टैलेंट का अभी इंतजार करना पड़ेगा, तो ये रहा ना वो नया टैलेंट। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा आकांक्षा जी, आपका यहाँ परफॉर्मेंस है आज? हाँ जी बिल्कुल है, परफॉर्मेंस है। किसके साथ परफॉर्मेंस हो रहा आपका?
हमारे भोजपुरी राजा जो हमारे पवन सिंह जी, हमारे शेर, आज मेरा परफॉर्मेंस एक शेर के साथ में है। मनोज जी, मैं इनसे खफा हूँ कि अपनी लुलिया को छोड़ के किन के साथ। लुलिया में उफान निकल जाएगी तुम्हारे। लुलिया को बेवफा, मतलब लुलिया ऐसी कब से बन गई ये बताइए। लुलिया बेवफा निकल गई तो मैं क्या करूँ। क्या आपने कभी भी शूट के टाइम पे कभी भी अगर लेट हुए किसी भी रीजन, जैसे यू नो शायद लेट उठ गई, नहा नहीं पाई, ये सब, तो अपने प्रोड्यूसर को कुछ झूठ कहा है या कुछ बहाने बनाए हैं? इनफैक्ट खाली मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं बहुत टाइम की पक्की हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग कि मेरे पापा मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तू गलत देश में पैदा हो गई है। मेरा भांजा एक खिलौना कब देने वाला है? बस बहुत जल्दी। गुड न्यूज देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाला। बिहार हमारा सबसे बड़ा मार्केट है आज के दिन में, और बिहार के साथ हमारा एक स्पेशल सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों के साथ हम दिल दिमाग से जुड़े हुए हैं, तो हमको वहाँ की हर एक्टिविटीज़ में उनके साथ जुड़ना है। इसी उद्देश्य से हमने इस प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएशन किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें सारे इंडस्ट्री हमको सपोर्ट कर रहा है और सारे एक्टर सपोर्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे बढ़े, उसके लिए मुझे भी अभय जी जब भी बुलाएंगे, जिस कारण के लिए बुलाएंगे, मैं उनको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अतुल्य भारत आईफा के अलावा केवल IBFA के साथ ही अपना एसोसिएशन रखे हुए है, और हमारी शुभकामना है कि IBFA बहुत ही सक्सेसफुल हो। भगवान बड़ी फुर्सत से तारा के बनौले बड़े। मधु जी सच कहूँ आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जब इतनी खूबसूरत एंकर हो तो नेचुरली बनता है कि आपको अच्छा ही दिखना पड़ेगा। मलेशिया आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, और ख़ास करके स्वागत करने वाली जवान निधि झा और फ्लुलिया जैसे खूबसूरत सी हसीना हो, साथ में मनोज भैया जैसा हैंडसम मोटा ताजा दिल को जीतने वाला इंसान हो, तो मलेशिया आने का मज़ा ही कुछ दोगुना हो जाता है। आप दोनों इतनी खूबसूरत पैदा हुई थी कि बाद में कुछ दवा खाया था? गोली नहीं खाते, ये सब हमारी मम्मी की दी हुई सुंदरता है जो आज हम इतने खूबसूरत दिखते हैं। ये राज तो मम्मी पापा ही बोल सकते हैं, हम तो नहीं बोलते। ये लीजिए आपकी अमानत, ये लीजिए ये आपका पर्ची, एंड ये आपको एक्ट करके बताना, और ये चॉइस ये बताएंगे कि एग्जैक्टली है क्या। सॉरी राजा जानी, सरदार जट, हाँ राजा जानी, सॉरी राजा जानी, राजा जानी, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको एक सिंबल दिखाऊंगा, आप उसे देखकर बताएं कि किस हीरोइन या किस हीरो से इसकी तुलना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसकी तुलना मधु जी से करना चाहूंगी। बहुत मज़ेदार तैयारी की है, और शर्मिष्ठा और एडी ने मेरी बैंड बजाई है परफॉर्मेंस में। लास्ट ईयर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर था, बट इस साल वो कसर पूरी करूंगी, और एक सरप्राइज है जो स्टेज पे मिलेगा आप लोगों को। आपका एक बहुत ही प्यारा गाना है कभी राम, माफ कीजिएगा मैं बहुत ही बुरी सिंगर हूँ, लेकिन
एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि यही गाना कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर अगर हॉलीवुड में बनाया जाता तो उसका टाइटल क्या होता? वर्डिंग्स का तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बट आई कैन सिंग इट इन दैट एक्सेंट, यू नो. कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना. वाह क्या बात है. हवा चली, एक उस हवा से एक आवाज आई कि आप शादी करने वाली हैं. नहीं शादी ऐसे तो कोई इरादा नहीं. देखिए कोई नहीं, आप बता सकते हैं क्योंकि हमें कहीं ना हमारे जो सीक्रेट है यू नो टॉप सीक्रेट वाले पेटी में से हमें पता चला है कि आप शादी कर रही हैं. ऐसा तो कुछ नहीं है. जिस दिन तय कर लूँगी शादी करना उस दिन धूम धड़ाके से सबको बताऊंगी और खासकर अपने श्रोताओं को तो जरूर बताऊंगी कि शादी कर रही हूँ. तो देखिए दिल अभी तक को इनवाइट जरूर. तो दिल मतलब हमारे जितने दर्शक हैं स्पेशली हमारे जितने भी गाइज हैं, आपको दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है. ये अभी भी सिंगल है और शादी मिंगल होने के लिए थोड़ा सा वक्त है. सुनिए तू बहुत बड़ा लड़की बाज है, कितनी गर्लफ्रेंड तोरे हैं आज तक? भैया अगर ईमानदारी से बोला जाए तो शायद मुझे जितनी गिनती आती है उस गिनती को मैं गर्लफ्रेंड्स के मामले में क्रॉस कर चुका हूँ. गर्ल मतलब लड़की, फ्रेंड मतलब दोस्त, और मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त. देखिए बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, ये आंसर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं एंड लोगों को पता है. आप सीधे सीधे बताइए कि एग्जैक्टली आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? 300-400 क्रॉस कर. मतलब आई फील यू आर कृष्णा आप ही की फिल्म है एंड अगर वो फिल्म हॉलीवुड में बनता तो उसका नाम क्या होता? एक दूजे के लिए. Need for each other? Oh my God, this is what you call sense of humor. इश्क हुआ है यारो. I'm in love, friends. इश्क हुआ. Yeah, you are somewhere close, but थोड़ा और guess कर सकते हैं. And even I got love, friends. I got love. No. Nice. Finally, I'm in love, friends. अपने पर्सनल जो इनकी फीलिंग है कि he is fallen in love, yes. वो बता रहे हमारे दर्शकों को. देख लीजिए पूरे समाज के सामने I'm telling you it's the truth. I love Nidisha. क्या चाहता रहा मर्डर हो जाता हर. देख लीजिए मेरे साथ ऑलरेडी मनोज जी. मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माता जी को ज्योतिष ने उसी दिन कहा था कि आपको एक अजर अमर बेटा पैदा हुआ है जो मर्डर नहीं होगा, जिसका मर्डर नहीं होगा. हाँ उसके गर्लफ्रेंड्सों की लाइन में वृद्धि होती रहेगी करीब 1200-1300 अपने जीते जी गर्लफ्रेंड चल जाता बलिया. मैं मेरे हीरो मेरे सन की दरोगा के साथ परफॉर्मेंस करने वाली हूँ रवि जी के साथ में. और हमारी परफॉर्मेंस की रिहर्सल्स भी एकदम दमदार डिशुम टाइप रिहर्सल हुई है. कि हम लोग स्टेज पे कितना रॉक करते हैं. मैं कभी सोच नहीं सकता था कि विदेशों की भूमि पर भोजपुरी का अवार्ड देखने के लिए इतनी पब्लिक होगी. मतलब जितने लोग शायद हॉल में बैठे हैं उतने ही लोग हॉल के बाहर भी खड़े हुए हैं. सच में भोजपुरी के लिए मुझे लगता है बहुत फख्र की बात है कि हम अपने खेत खलिहान से निकलकर आज वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े देशों में अवार्ड शो कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी है कि रीजनल फिल्म इतना बड़ा अवार्ड एब्रॉड में कर रही है, तो ये तारीफ के काबिल है, सैल्यूट है. डिशुम एक ऐसा स्थल है जहां पारिवारिक मनोरंजन है जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एक चैनल देख सकती है. डिशुम चैनल का एक ही मिशन है भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी एंटरटेनमेंट को पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए. स्प्रेड भोजपुरी अक्रॉस द वर्ल्ड. डिशुम